हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेडमी के 5G स्मार्टफोन के ऊपर। तो रेडमी Xiaomi का सब ब्रांड है और Xiaomi एक के बाद एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि पहले Xiaomi ने लॉन्च किया था Mi Mix 5G, उसका प्राइस $650 के आसपास था, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो उसका प्राइस आता है 49,000 के आसपास। और उसके बाद Xiaomi ने लॉन्च किया था Redmi K30, जो कि 5G स्मार्टफोन था, और इसका प्राइस भी $300 के आसपास था, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 23,000 के आसपास आता है। तो अभी बात चल रहा है कि Xiaomi के जो सब ब्रांड है Redmi, वो बहुत ही जल्द एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं Redmi Note 9 सीरीज के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि Redmi Note 9 सीरीज के अंदर हमें कोई भी 5G स्मार्टफोन अभी तक नहीं मिलता, सिर्फ हमें 4G स्मार्टफोन मिलता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अब देर ना करते चलिए आपके सामने पेशकश शुरू करते हैं। तो दोस्तों, Redmi ब्रांड के अंदर हमें एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द, और इसके बारे में जो लीक्स हैं वो हमें चाइनीज वेबसाइट टेना के द्वारा मिला है। वहां पर एक मॉडल नंबर लीक हुआ है Redmi ब्रांड के अंदर, जो कि आप इधर देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर हमें प्रोसेसर के मामले में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, पर हमें लग रहा है कि इसके अंदर हमें 2.6 गीगाहर्ट्ज का एक अननेम्ड प्रोसेसर है, पर अभी तक उसका नाम नहीं पता चला है। पर टेक्नीशियंस के मुताबिक ये फोन के अंदर हमें कोई 700 सीरीज या फिर 800 सीरीज स्नैपड्रैगन का नहीं मिलेगा। इसके अंदर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 सीरीज भी नहीं मिल सकता, पर ये लग रहा है कि डायमेंसिटी 1000 इसके अंदर हो सकता है। और कुछ कुछ लोगों के मुताबिक इसके अंदर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर मिल सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है 5G के लिए, और इसके अंदर हम गेमिंग भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ छोटे मोटे स्पेक्स लीक हुए हैं, जो कि लग रहा है कि ऐसा ही हो सकता है फ़ोन, तो मैं आपके सामने एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें डिस्प्ले में 6.5 इंचेस का एक OLED पैनल मिलेगा फुल HD के साथ विथ वाटर ड्रॉपलेट नॉच। तो दोस्तों, हमें अभी तक के जो Redmi Note 9 सीरीज के फ़ोन मिलते हैं उसमें हमें पंचोल मिलता है, पर इसके अंदर हमें लग रहा है कि एक वाटर ड्रॉपलेट नॉच मिलेगा, और हो सकता है कि इसके अंदर हमें पंचोल भी मिल जाए, तो वो तो एक बढ़िया चीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें बैटरी में 4420 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलता है, जो कि इनफ है वन डे यूसेज के लिए। और दोस्तों, मैं आप सबको ये जो भी स्पेक्स बता रहा हूँ ये सब कुछ लीक्ड है, कोई भी मैं अपने तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ टेना पर लीक हुआ है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पे टेना सर्च कीजिए, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके अंदर हमें कैमरा में 48 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि लग रहा है कि स्क्वायर शेप में ही होगा, और 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों, इतने सब कुछ के साथ हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलेगा, वो तो एक बढ़िया चीज़ हो जाता है, और हमें IR ब्लास्टर और 3.5mm जैक जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें रैम वेरिएंट के अंदर ये पता चला है कि 4 से लेकर 8 तक और 64 से लेकर 265 तक रैम और रोम वेरिएंट मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या आप इस फ़ोन के लेकर एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस फ़ोन को लेकर एक्साइटेड हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते घंटी को ज़रूर बजा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।